Hi everyone, this is Maha, your English instructor from Tutoria.pk. I hope you all are doing good and are in great spirits. In today's video lecture, we are going to discuss summary for unit number 9, Jiskanam and the White Lamb. So let's begin. स्टोरी का प्लॉट से स्टार्ट होता है? एक ओल्ड गार्डनर जिसका नाम होता है नवरसाट वो अपना मुंह धोने जा रहा होता है स्प्रिंग स्प्रिंग की तरफ कहते हैं एक चश्मे को इतने में उसका जो टीम लीडर होता है उसको आवाज दे के बोलता है कि नवरसात तुम्हारा बेटा जो है वो विलेज में आ चुका है उसका बेटा अर्शाक जिसको उसने बाहर भेजा होता है पढ़ने के लिए वो दस साल बाद विलेज आता है ये सुन के नवरसात जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे जाके पूछता है कि कहाँ तुम क्या कह रहे हो मेरा बेटा आया है कहाँ आया है कब आया है उससे सारी इंक्वायरी करता है फिर क्या करता है वो कुछ सोच ही रहा होता है रास्ते में के घर की तरफ जाते हुए और वो अपना पाथ चेंज कर लेता है और ऑर्च की तरफ जो है वो टर्न कर लेता है ऑर्चड कहते हैं स्मॉल गार्डन को जिसके अंदर फ्रूट ट्रीज होते हैं वहां पे जाता है सोचता है कि अर्षा को वाटर मेलन्स बहुत पसंद है तो कुछ वाटर मेलन्स काट लेता है और फिर है बहुत बुरा होता है वो फिर भी वो एक फिक ट्री को क्लाइम करता है और बास्केट में कुछ हम इंजीर कहते है, वो करता है, फिर उसने एक जो है, वो किया होता है तब वो उसको स्लॉटर करेगा सो so सी उसके लिए अपने बेटे के अराइवल से ज्यादा कोई स्पेशल ओकेजन नहीं है और अर्शाक जो होता है वो उसका सगा बेटा नहीं होता ही इज नॉट हिज बायोलॉजिकल फादर उसकी वाइफ जो है वो बहुत पहले

during the journey towards his home. फिर जब वो रास्ते में अपने घर की तरफ जा रहा होता है बहुत से लोग उससे पूछ रहे होते हैं कि इतनी ज्यादा अरेजमेंट है किसके लिए वो सबको बहुत प्राउडली बता रहा होता है कि उसका बेटा आया है दस साल बाद इस विलेज में आया है तो ये सब उसके लिए है वो बहुत प्राउड से बताता है कि उसका बेटा अब बहुत अच्छी पोजिशन पे मॉस्को में काम करता है उसकी खुद की गाड़ी है उसका खुद का बहुत बड़ा घर है मॉस्को में सो उसको बहुत ज्यादा फखर हो रहा होता है अपने बेटे पे फिर क्या होता है वो घर जाता है और उसको फील होता है कि उसका घर जो है वो इतना ज्यादा सूटेबल नहीं है अर्शाद के लिए बिकॉज अब वो एक बहुत ही हाई रैंक पे काम कर रहा है और उसका घर बहुत कोई पॉश या घर नहीं होता है बहुत ही खस्ता हाल घर होता है फिर उसको देख के ये भी अंदाजा होता है कि नहीं वो अपने आप को कंसोल करता है कि ये वही घर है है पे पला बड़ा है, तो उसको ऐसा कोई फील नहीं होगा कि ये घर उसके लिए सुइटेबल नहीं है वो अपना घर साफ करने में लग जाता है इतने में नेबरहुड से एक वुमेन आती है वो उसको कंग्रेचुलेट करती है कि तुम्हारा बेटा आ गया है मैंने उसे देखा जब मैं शॉप पे गई थी और मैं उसे देख के बहुत खुश हुई यू आर वेरी लकी यू हैव सच अ फाइन सन ये सुन के नेवर साथ और खुश हो जाता है और फिर से और ज्यादा इंटरेस्ट के साथ एक्साइटमेंट के साथ ओवरकम होकर दोबारा से अपने घर साफ करने में लग जाता है फिर वो अपनी सारी अरेंजमेंट्स में लगा ही होता है कि पूरे घर साफ कर रहा होता है फ्लोर को वाइप कर रहा होता है पानी छिड़क के हर चीज को साफ कर रहा होता है बिजी होता है इतने में नेबरहुड से वही वुमेन फिर से आती है और उसको बताती है कि क्या तुम्हें तो पता है कि अर्शाक जो है वो चेयरमैन के घर चला गया है ये सुन के वो थोड़ा सा शॉक होता है स्टन होता है लेकिन फिर से खुद को समझाता है और उसको भी बोलता है कि हो सकता है वो यहाँ घर आया हो और मैं घर पे ना हूं तो इसलिए वो चेयरमैन के घर चला गया हो सो इट्स ओके वो यहीं पे आएगा कहीं घूमेगा नहीं तो हम फिर टाइम स्पेंड कर सकते हैं फिर से नसात अपने बेटे अर्शाक के लिए वेट करना शुरू हो जाता है इतने में वो क्या करता है कि फायर प्लेस के लिए वुड्स कलेक्ट करता है और उनको स्टैक कर देता है सो so दैट कि जब अरशाक आए तो उसको ठंड ना लगे और फिर वो अच्छी सी आग जला सके टू कीप द रूम टू कीप द इन्वायरमेंट वॉर्म फिर वो लैम्प की तरफ पड़ता है और उसको स्लॉटर करने लगता है नाइफ से लेकिन उसके माइंड में फिर एक थॉट आती है कि हो सकता है कि अरशाक आ जाए उसको अरशाक का वेट करना चाहिए और जब अरशाक आ जाएगा तभी लैम्प को जो है वो स्लॉटर करना चाहिए तो फिर वो दोबारा सैर के लिए वेट करना शुरू हो जाता है टाइम गुजर रहा होता है गुजरता चला जाता है और सन इज अबाउट टू सेट सन गुरूप होने वाला होता है अर्शाक अभी तक घर नहीं आया होता अब जो नवर साथ है वो इरिटेट होना शुरू हो जाता है उसको ट्रेमर्स फील हो रहे होते हैं अपनी बॉडी में ट्रामर्स क्या होते हैं ड्यू टू तो एक्साइटमेंट या नॉर्मली ड्यू टू तो एक्साइटमेंट या यूजली इट्स ड्यू टू तो एंगर एंड नर्वसनेस आप आ, के बॉडी में कुछ कपकपी तारी होती है उसको ट्रेमर्स कहते हैं उसको ट्रेमर्स फील हो रहे होते हैं ड्यू टू तो एंगर वो एक टाइम पे डिसाइड करता है कि वो खुद जो है चेयरमैन के घर जाके देखता है कि अर्शाक अपने घर क्यों नहीं आ रहा है लेकिन वो अपना माइंड बदल लेता है और नेबरहुड के एक बच्चे को चेयरमैन के घर भेजता है कि तुम जाओ उसे बोलो कि मैं घर में वेट कर रहा हूं और देख के आओ कि अर्शाक वहां कर क्या रहा है बच्चा जाता है बहुत जल्दी वापस भी आ जाता है उसे बताता है कि मैंने आपका जो मैसेज है वो कन्वे कर दिया है ही इज चेयरमैन और जब मैंने बताया कि यू आर वेटिंग फॉर हिम इन होम उसने बस ऑल राइट right का इस पे वो ये सारी बातें रिपीट करता है मीन्स ऑल राइट का दोबारा से वो होप जो है करना शुरू हो जाता है कि ओके okay, अगर उसने कह दिया ऑल राइट तो ही विल बी होम इन फ्यू मिनट्स और फ्यू आवर्स फिर से वो वेट करता है और क्या करता है वेट करते हुए वे फायर जलाना शुरू कर देता है शाश्लिक के लिए शाश्लिक कहते हैं एक मीट की डिश को उसके लिए फायर जलाना शुरू कर देता है अरेंजमेंट्स फिर से स्टार्ट कर देता है टेबल सेट कर देता है क्लॉथ बिछा के सब चीज़ें सेट कर लेता है लेकिन अर्शाक अभी भी नहीं आया होता इतने में वो इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है ड्रेन हो जाता है टायर्ड हो जाता है उसको पता नहीं चलता कि कब नींद उस पर आ जाती है और वो सो जाता है सुबह उठता है तो उसको बहुत ज़्यादा शौक लगता है जब वो देखता उसको यह शौक लगता है तो वो टेरिस की गाड़ी है वो दूर चली जा रही होती है और उसको दिख रहा होता है कार्ड बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मर बिकॉज इट्स गोइंग अवे उसको फील होता है कि उसकी जो घर की रूप है वो उसके बाद गिर गई हो इतना ज्यादा वो शौक में चला जाता है डिसाइड हो जाता है और ऑलरेडी वो स्टूप था क्योंकि जो बूढ़े लोग होते हैं उनका पॉस्चर जो होता है थोड़ा झुका हुआ होता है ये सुनने के बाद और ये देखने के बाद कि दस साल बाद भी उसका बेटा आया और उससे मिला नहीं उसका जो बॉडी पॉस्चर होता है वो और स्टूप्ट हो जाता है उसकी आंखें और ज्यादा संकन हो जाती हैं अंदर धंस जाती हैं उसका जो गेट होता है वो और ज्यादा अनस्टेडी हो जाता है गेट किसे कहते हैं चाल को जैसे बूढ़े लोग चलते हैं वो एकदम स्टडी तरीके से नहीं चल सकते दे शेक तो और ज्यादा अनस्टडी हो जाता है हेडी टू वर्ड ऑर्चिड एंड द वाइट लैम्प गैम्बुल्ड आफ्टर हिम गैम्बुल्ड कहते हैं प्लेफुली उछल कूद करना आगे पीछे सो दिस the summary of unit 9 so with this we have come towards the end of our today's video lecture i hope mm hoga -hmm. inshallah we'll be talking about some new topic in our next video till then take care this is maha your english instructor signing out